पाई की सब्जी अगर आप मेरी तरह बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, एक की जगह 2 से 3 रोटी भी खा लेंगे। तो जब भी आप पाई बनाए तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। आज हम पाई बनाने जा रहे हैं तो यहाँ मैंने 4 पाए लिए जिसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है मैंने। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास पानी डाला है इसमें। अब हम इसको बंद कर देते हैं कुकर को। अब हम इसमें 5 सीटी लगाते हैं। मैं यहाँ पे 5 सीटी लगाऊंगी, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आपका कुकर किस कितनी सीटी लेता है उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो मेरे यहाँ 5 सीटी में ये पाए बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ गैस निकल गई है तो हम अपने पाए को चेक कर लेते हैं, वो अच्छे से उबले हैं कि नहीं। हाँ, ये हमारे पाए अच्छे से उबल गए हैं। अब इसको रखते हैं साइड में, हम सब्जी बना लेते हैं। यहाँ हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। यहाँ हम 2 बड़ी चम्मच तेल डाल रहे हैं। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया तो डाल देंगे 2 तेज पत्ते। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। प्याज को हम भून लेंगे। यहाँ हमने अपनी प्याज को अच्छे से भून लिया, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया प्याज में। तो अब डाल देंगे 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ भून लेंगे थोड़ा सा। यहाँ हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी भून गया है तो हम डाल देंगे। मैंने एक टमाटर को जो बड़े साइज का था उसको मैंने इस तरह से चॉपर में पीस लिया है। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। टमाटर को सॉफ्ट होने देते हैं। यह हमारे देखो टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने बेसिक मसाले। पाए को जितने बेसिक मसालों के साथ बनाओगे सिंपल तरीके से उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मैं यहाँ 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इनको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाए हमारे। ये हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया, देखो तेल अलग हो गया। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने पाए। पाए का पानी अलग कर देंगे, पहले हम खाली पाए को डालेंगे। अब हम पाए को पहले मसाले में भूनेंगे। यह हमने पाए को मसाले में अच्छे से मिला दिया। अब हम धीमी आंच पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यह 3 मिनट हो गया, हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। अब हम पानी डाल देंगे जिसमें हमने पाए को उबाला था। अब हम अपने सब्जी को अच्छे से मिला देंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। इसको ढक देते हैं और हम सब्जी को पकने देते हैं। यहाँ हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। आप चाहे तो इसका पानी थोड़ा और सुखा सकते हैं, पर जो स्वाद इस तरी में है वो इन पाए में नहीं है।
तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो गैस बंद कर देते हैं, डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया को मिक्स कर देते हैं। ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये हमारी पाए की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार आप जरूर ट्राई करें।